नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं परहा टाइम्स। कलवा में एक नाले में 8 दिसंबर को एक लाश मिली थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी। ये लाश ताज बाबू शकील अहमद सलमानी 32 वर्षीय की थी। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। दरअसल पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये खुलासा किया कि ताज बाबू की पत्नी रूबीना बेबी का संबंध प्रहलाद सिंह उर्फ पिंटू राजपूत से हैं, जिसको लेकर पति और पत्नी में हमेशा झगड़े होते थे। ताज बाबू की पत्नी रूबीना अपने प्रेमी के साथ ठाणे के गोकुल नगर में रहती थी, मगर ताज बाबू अपनी पत्नी को समझाने गोकुल नगर जाया करता था, जो रूबीना को उसके प्रेमी को नागवार लगती थी। इसलिए दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और ताज बाबू को मिलने के लिए कलवा मफत नगर झोपड़पट्टी में बुलाया। मौका मिलते ही ताज बाबू का गला दबा कर हत्या कर दी। 8 तारीख की ये घटना है, जिसकी जानकारी हमें 9 तारीख को सुबह 9 बजे मिली कि एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी एक शांतिनगर शांति मुफतलाल झोपड़पट्टी है, उसके नाले में पड़ी है। उसके बाद में वो बॉडी को हमने पीएम के लिए लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि इसमें मर्डर का प्रकार है, तो उसके तुरंत बाद हमने पुलिस की 4 पथक तैयार किए। जहाँ पे ये बॉडी पड़ी थी वहाँ आजू बाजू में चौकसी करने के बाद पता चला कि यहाँ दो जहाँ हर रोज आती नहीं ऐसे 2 पुरुष और महिला उधर आके गए हैं। तो एक ठाकुर नाम का आदमी हमें वहां मिला, उसने वो जो महिला थी उसका नाम बताया, जिसका नाम रूबीना बेबी सलमानी था, वो मुमरा की रहने वाली थी। तो उसका ताबे में लेने के लिए एक पीएसआई सैयद के मार्गदर्शन में एक पदक वहां पे रवाना कर दिया, और जो उसके कॉन्टेक्ट में जो एक इसम था वो गुजरात की तरफ गया, ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में वहां पे पीएसआई पाटिल के मार्गदर्शन में वहां पे एक टीम हमने रवाना कर दी। रात में हमने ये लेडी के कांटेक्ट में रहने वाला एक टेम्पो ड्राइवर था, उससे हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि उसने 9 तारीख को ही उसका सामान गोकुल नगर से मुमरा शिफ्ट किया है। उसको तुरंत लेके जाके वो जो लेडी थी उसको ताबे में लिया, तो उसने गुने की कबूली दी। और फिर बाद में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाउंड्री पे ये आरोपी का घर था, वहां से उसको उठाया, उसने भी गुने की कबूली की। ये दोनों का इलिसिट रिलेशन था और ये जो पति था लेडी का उसको वो हटाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दोनों ने मिलके उसका खून कर दिया था। और ये गुने का तपास कलवा पुलिस स्टेशन। हत्या के बाद रूबीना मुमरा में रहने लगी और प्रहलाद फरार हो गया। इस हत्या की जांच के लिए पुलिस ने 4 टीम गठित की थी। गुप्त सूचना के आधार पर रूबीना बेबी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में रूबीना ने राज से पर्दा उठा दिया। रूबीना ने अपने आशिक का भी नाम बताया, जो इस घटना में शामिल था। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और प्रहलाद सिंह उर्फ पिंटू राजपूत 28 वर्षीय को मध्य प्रदेश के नीमच से गिरफ्तार किया है। इस घटना से तो एक बात साबित होती है, इस तरह के संबंध किसी से जान लेने के बाद ही खत्म होती है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए परहार टाइम्स।